दोस्तों यहाँ मांग रहे हैं 5,000 और हम 4,000 में गाड़ी फिक्स कर चुके हैं। अब अल्टो वो 3,500 रुपए रहेगा। तो गाइज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं हूँ अभी मनाली और आप सामने का व्यू देख सकते हो। मैं अभी होटल के रूम में हूँ और लगभग हमें मनाली पहुँचे हुए 1 घंटा हो गया है। दोस्तों हम अभी आराम कर रहे हैं क्योंकि लंबी जर्नी करने के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं। तो आप जब भी मनाली आए अपने आप को फ्रेश करने के लिए मनाली आते ही होटल लीजिए और लगभग 1 घंटा आराम कीजिए, वही हम कर रहे हैं। दोस्तों इन दिनों मनाली में काफ़ी ज़्यादा सैलानी आ रहे हैं, इसका उदाहरण आप सामने देख सकते हो। 4 मंजिला यहाँ पार्किंग बनी हुई है और वो भी गाड़ियों से खचाखच भरी हुई है, क्योंकि दोस्तों आजकल स्कूलों कॉलेजों की सबकी छुट्टियाँ चल रही है और सभी व्यक्ति गर्मी से परेशान है। पूरे देश में जहाँ पारा चढ़ा हुआ है वहीं मनाली और रोहतांग में हमें अच्छा सुगत बर्फ सहित मौसम देखने को मिलता है, तो हर व्यक्ति मनाली की ओर रुख करता है इन गर्मियों में। 1 घंटा आराम करने के बाद आप अपना मैप सेट कीजिए कि आपको कहाँ कहाँ घूमना है। दोस्तों जो हमने अपना मैप सेट किया है, सबसे पहले हमें यहाँ हडिंबा मंदिर घूमना है और उसके बाद रात को हम माल रोड घूमने वाले हैं और सुबह हम रोहतांग जाने वाले हैं। कल का पूरा दिन हम रोहतांग में अपना व्यतीत करने वाले हैं और उसके बाद वापिस शाम को हम अपने होटल में आने वाले हैं। और उसके अगले दिन जो हमारी प्लानिंग है दोस्तों वो है अटल टनल, जो कि विश्व की सबसे ऊंची और सबसे लंबी टनल है, उसको हम देखने जाने वाले हैं। और उसके बाद आते वक्त हमारा जो टूर रहेगा वो सोलांग वैली का रहेगा और सोलांग वैली घूमने के बाद हम यहां से सीधा मणिकर्ण साहिब गुरुद्वारा जाने वाले हैं। तो दोस्तों ये था हमारा टूर मैप जहाँ जहाँ हम घूमने वाले हैं। आप भी अगर मनाली आना चाहें अपना टूर प्लान ज़रूर बना लें ताकि आपको किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। दोस्तों बातों ही बातों में हम माल रोड पहुँच चुके हैं। आप सामने जो रोड देख रहे हो ये माल रोड है। अभी यहाँ जो पब्लिक है वो काफ़ी कम है क्योंकि जितने भी सैलानी आए हुए हैं वो मनाली के आजू बाजू जो भी घूमने के पॉइंट है वहाँ घूमने गए हुए हैं। शाम को जब रात के 8 से 12 बजे के बीच में यहाँ जो भीड़ रहने वाली है, जो सैलानियों का सैलाब आने वाला है, वो भी मैं आपको दृश्य दिखाने वाला हूँ। दोस्तों मनाली से रोहतांग पास लगभग 51 किलोमीटर है। अगर आप अपना पर्सनल साधन लेके जाने वाले हैं तो वहाँ आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जिसका चार्ज 550 रुपये है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि रोहतांग पास के लिए जो परमिशन दी जाती है वो प्रतिदिन 1200 गाड़ियों की ही है, जिसमें पेट्रोल की 800 गाड़ियाँ हैं और 400 डीजल की गाड़ियाँ हैं। और अगर आप परमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए शायद आपको 1-2 दिन रुकना भी पड़े, क्योंकि सबसे प्रथम जो प्रायोरिटी है जो यहाँ टैक्सियाँ चलती है उनको ही प्रायोरिटी दी जाती है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन उन्हीं का होता है। जिस दिन अगर 1200 गाड़ियां वहां बुक नहीं होती तो आपका नंबर पहले लग सकता है, अन्यथा आपको वेटिंग करनी पड़ेगी। और दोस्तों अगर आप अपना पर्सनल साधन नहीं लेके जाने वाले तो आपको यहां से टैक्सी को हायर करना पड़ेगा। टैक्सी का रेट क्या है वो मैं आज आपको इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी देने वाला हूँ और कहाँ से आप सस्ती टैक्सी ले सकते हो वो भी मैं आपको पूरा का पूरा यहाँ बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको जो यहाँ का टैक्सी स्टैंड है उस पर ले चलता हूँ, जो कि बस स्टैंड से थोड़ा आगे माल रोड होते हुए एकदम कॉर्नर पे टैक्सी स्टैंड है। चलिए मैं आपको पहले वहीं ले चलता हूँ और वहाँ टैक्सी क्या रेट से मिल रही है उसकी मैं आपको लाइव जानकारी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों हम टैक्सी स्टैंड पहुँच चुके हैं, आप सामने का व्यू देख सकते हो, यहाँ जो बोर्ड लगा हुआ है चलिए मैं उसका भी व्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, चलिए हम टैक्सी स्टैंड के अंदर चलते हैं और यहाँ जो रेट है उसकी जानकारी लेते हैं जो टैक्सी ड्राइवर है उनसे। रोहतांग कितना लोग? 5 लोग। 5 लोग का या नहीं है इस टाइम? सॉरी मेरे पास गाड़ी स्मॉल कार है। ये सामने पार्किंग, ये भैया पूछ लीजिए, ये सामने पूछ लीजिए। दोस्तों हमें यहाँ बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। 5 लोग में 4 आ सकते हैं।
पांच बैठ के थे ओपन हुआ था पांच लोग के लिए चार के भाई तो 8,000 मांग रहा है भाई। चलिए दोस्तों आगे और पता करते हैं। डिजायर रोहतांग के लिए नहीं कल सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे पांच लोग हैं हम। डिजायर में आ जाए तो बिल्कुल बैठ के जाएंगे आराम से मस्ती करना। 5,000 नहीं राइट सही दाम बताएं। 3,500 रुपये में जिस दिन ओपन हुआ है मैं नंबर दिखा देता हूँ वो बंदे के पास ऑलरेडी बुकिंग है। टाइम था कुछ और है। नहीं नहीं तीन क्या अभी कितना हफ्ता भर हुआ है सर क्राउड अभी बड़ा है अभी आपका फाइनल रेट क्या होगा टाटा ही नहीं है कोई बात नहीं वो जो हाँ जो भी है टाटा ही रेट सही बोलो मैंने बोला 2,000 रुपए बंदा ओके मैं जा रहा हूँ। मैंने पिछले मेरा होटल वाला 11,000 का बोल रहा है हम सोच रहे हैं उसमें उसकी कटिंग होगी इसलिए आपसे डायरेक्ट हम अड्डे पे आए हैं। नंबर ले और नंबर नोट करो 4,000 में डन हो रहा है तो देखो आपको अच्छा लगता है 4,000 अभी आपको अच्छा लगता है सस्ता मिलता मुझे बोला बोला भैया बोला बोला। दोस्तों यहाँ मांग रहे हैं 5,000 और हम 4,000 में गाड़ी फिक्स कर चुके हैं। आपको मैंने यहाँ का दृश्य दिखा दिया है तो उसके बाद हम अभी हडिम्बा मंदिर घूमने के लिए जा रहे हैं। वहाँ की आपको लेटेस्ट हडिम्बा मंदिर ये मेरे पीछे का दृश्य और ये टैक्सी स्टैंड है यहाँ का। दोस्तों टैक्सी स्टैंड का मैंने आपको रेट दिखा दिया। इन्होंने 4,000 और 8,000 रुपए 5 आदमियों के मांगे हैं वो भी छोटी गाड़ी के। और दोस्तों हमने इयोन की है उसका रेट हमें 4,000 रुपए लगा है। उसी व्यक्ति के पास अल्टो है अगर बाय चांस उस व्यक्ति का बोलना है मैं अल्टो लेके आता हूँ तो मेरा जो चार्ज रहेगा वो 3,500 रुपये रहेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन खड़ा होता है कि आप सस्ती गाड़ी कहाँ से करें। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ शाम के 5 और 6 बजे के बीच में आप जिस होटल में ठहरे हो उसके बाहर आप इंतज़ार कीजिए। जो भी सैलानी रोहतांग गए हुए वो वापस आएंगे और वहीं से उन टैक्सी ड्राइवर से आप पता कीजिए रेट आपको सस्ता मिलेगा क्योंकि टैक्सी स्टैंड पर इनकी यूनियन होती है वहाँ जाने के बाद इनका जो रेट है वो बढ़ जाता है और आप रोड से अगर टैक्सी का पता करोगे तो वो आपको सस्ते में गिरेगी। दोस्तों अटल बिहारी जी वाजपेयी जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे देश के उनका एक स्टैचू यहाँ मनाली में लगा हुआ है माल रोड पे लगा हुआ है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी जो कि देश के सबसे पसंदीदा सबके प्यारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो चलिए दोस्तों हम जा रहे हैं अभी हडिम्बा मंदिर जो कि माल रोड से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर है और उसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ब्रेक के बाद तब तक के लिए सभी को बाय बाय।